आज के वीडियो आप सबके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 7 डेज में स्किन ब्राइटनिंग का सीक्रेट बताएंगे। आज तक जितने भी लोग इस 7 डेज चैलेंज को लिया है, बस 7 डेज में उन सब के स्किन इतना ब्राइटन हो गया है कि वो खुद हैरान रहा है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ये रूटीन रहेगा, और जिसका सबसे पहला स्टेप होगा सुबह उठकर फेस को वॉश करना। फेस वॉश में यह है स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश, जिसके लिए सबसे पहले एक बोल में 1 टेबलस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून हनी और साथ में 1/2 कप रोज वाटर और लास्ट में थोड़ा सा बेबी वॉश, इन सब को लेकर अच्छे से मिक्स करके एक बॉटल में भर लेना है और सुबह उठकर इसी से फेस को वॉश करना है, जैसे कि आप फेस वॉश करते हो। इस फेस वॉश से फेस को धोने से फेस क्लीन होने के साथ साथ इंस्टेंट फेस पे ब्राइटनेस आ जाता है। अब स्किन ब्राइटनिंग के लिए स्क्रब, जो आपको वीक में बस एक बार करना है। इसके लिए 4-5 टेबलस्पून दूध लेना है और इसके साथ 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल डालकर उसे बॉयल करके ऐसे थिक बना लेना है। फिर इसे ठंडा करके इसमें एक एक करके 1 टेबलस्पून कॉफी और 1 टेबलस्पून शुगर डाल देना है। अब अच्छे से इन्हें मिक्स करके इसी से हमें फेस को स्क्रब करना है। अक्सर दोस्तों देखना, हमारे फेस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रूखा रूखा लगता है, बेजान फील होता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे फेस में डेड स्किन इकट्ठा हो जाता है, और ये जो डेड स्किन है ये सिर्फ स्क्रबिंग से ही निकलता है, और इसीलिए वीक में एक बार स्क्रब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस स्क्रब में मैंने स्किन ब्राइटनिंग का इंग्रेडिएंट्स डाला है, और इसीलिए इससे स्किन इमीडिएट ब्राइट भी हो जाता है। अब स्टेप नंबर 3, नहाने से पहले हर रोज हमें अप्लाई करना है स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक। इसके लिए एक ब्लेंडर में 1/2 आलू, 1/2 टोमेटो, 1/2 नींबू और साथ में 1 टेबलस्पून खट्टा दही और लास्ट में 1/2 टीस्पून हल्दी, इन सारे चीजों को एक साथ लेकर इनको अच्छे से पीस लेना है। और सारी चीजों को पीसने के बाद ये जो पेस्ट बनेगा हमें इनको छान लेना है, और छानने के बाद जो मिक्सचर निकलेगा उसमें 1/2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी और 1/2 टेबलस्पून बेसन डालकर मिक्स कर लेना है, और हमारा स्किन ब्राइटनिंग पैक रेडी हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। इसे हमें अप्लाई करके फेस पर 10-15 मिनट तक छोड़ देना है, और 10-15 मिनट बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। फेस वॉश करने के बाद दोस्तों ये देखो फेस पैक की पावर, ये इंस्टेंट कैसे पूरे स्किन कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर दिया है। आफ्टर एंड बिफोर में खुद रिजल्ट देख सकते हो, तो सोचो अगर इसे आप एवरीडे यूज करोगे तो ये कितना अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों मुझे ना हमेशा से ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन फ्री इवन टोन स्किन बहुत पसंद है, जो कि हमेशा ग्लो करे, और इसीलिए आप अपने स्किन के ऊपर नेचुरली विटामिन सी का एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मिला है मामाअर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश और मामाअर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। इसमें रहने वाले मलबेरी की नेचुरल गुडनेस हेल्प करता है टू रिड्यूस ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। साथ में ये स्किन को जेंटली क्लेंस करके डेड स्किन को भी हटाता है, और जो विटामिन सी है वो हेल्दी रेडिएंट इवन टोन स्किन और ग्लोइंग स्किन पाने में बहुत इफेक्टिव है। मामाअर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश और बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम, इन दोनों की लगातार कुछ टाइम की एप्लीकेशन से मैंने पाया है परफेक्ट ब्लेमिश फ्री इवन टोन ग्लोइंग स्किन। इसके बेस्ट पार्ट, ये कम्प्लीटली नेचुरल होने के साथ साथ मेड सेफ सर्टिफाइड भी है, और जहाँ तक मामाअर्थ का प्रोडक्ट है इसीलिए मुझे इन पे 100% भरोसा तो है ही। मामाअर्थ एक नेचर फ्रेंडली ब्रांड है, इसीलिए व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ दे लीक योर ऑर्डर विद द ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज का प्लांट करना। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पे तो मिल ही जाएगा, पर अभी या किनियर स्टोर पर भी अवेलेबल है। साथ में आप यूज कर सकते हो मेरा कोड TIME2023 फॉर 20% डिस्काउंट ओनली ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब लास्ट में ये जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी, ये आपको बेसिकली रात को सोने से पहले करना होगा। ये एक ओवरनाइट स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा, जिसके लिए आपको 4-5 अलमोंड लेकर रात भर के लिए भिगोकर रख देना है। अब नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा सैफ्रन यानी कि केसर एक पेपर के ऊपर लेना है और इसे फोल्ड करके ड्राई हीट कर लेना है एक पैन के ऊपर रखकर। ऐसा करने से केसर ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसको आसानी से क्रश कर लेंगे। अब इस केसर में हमें 3-4 टेबलस्पून रोज वाटर डालकर इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमने जो रात भर के लिए अलमोंड को भिगोकर रखी थी उसको हमें पहले छील लेना है और फिर इनको एक ब्लेंडर में डाल देना है,
और साथ में हमने जो केसर का पानी बनाया था उसको भी डाल देना है और फिर इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और छानने के बाद ये जो मिक्सचर रेडी हो जाएगा, अब इसमें एक एक करके 2 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और साथ में 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डालकर मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमारा स्किन ब्राइटनिंग सीरम रेडी हो जाएगा। अब इस सीरम को एक कंटेनर में भरकर इसे हम 7 डेज तक फ्रीज में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। हर रोज रात को सोने से पहले फेस को पहले वॉश करके इस सीरम को लगाकर पूरे फेस को मसाज करना है अच्छे से, फिर इसे ओवरनाइट तक छोड़ देना है हमें। गाइस आप शायद बिलीव नहीं करोगे, सुबह उठकर आप अपने स्किन को पहचान नहीं पाओगे, इतना खूबसूरत लगेगा स्किन, बहुत सॉफ्ट होकर स्किन एकदम शाइन करने लगेगा। तो ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताया, इन सारे स्टेप को आपको 7 डेज तक कंटिन्यू फॉलो करना होगा डेली स्टेप बाय स्टेप, और यही होगा आपका 7 डेज का चैलेंज। और मुझे 100% यकीन है गाइस 7 डेज बाद आप खुद मुझे आकर कमेंट में एक थैंक यू तो जरूर बोलोगे।